ब्रेड सेक लेती हूँ जल्दी से, लगता है सुबह सुबह उठे नहीं है। अपना ब्रेकफास्ट करके कुछ और करने लगूंगी, बोल दूंगी मैंने भी नाश्ता नहीं किया, बस आना जाए नीचे। बस मेरी ब्रेड तो सिक गई, मैं चलती हूँ खाने, लगता है सोई रही है। मैं अपना कर लेती हूँ नाश्ता, क्या ही पता चलेगा इन्हें कि मैंने खा लिया। ब्रेड बटर की बात ही अलग है, चाय और जाती तो मज़ा आता। कोई बात नहीं। हाँ भाई कर लिया नाश्ता, आपका वेट कर रही थी मैं तो, क्या करूँ वेट करते करते कुछ समझ नहीं आया इसलिए कर ही लिया। हाँ वेट करते करते 10-12 ब्रेड तो तुमने खा ही लिए हैं, सिर्फ दो ही ब्रेड खाए हैं, बाकी आपके लिए सेक देती हूँ, बैठो चाय भी बनाना फिर। ठीक है बना दूंगी, आती हूँ मैं। वैसे दीदी आज क्या प्लान है आपका? पार्लर जाना है मुझे। वाओ मैं भी चलूंगी। तुम क्यों चलोगी? मैं बोर हो जाऊंगी ना, वरना यहाँ पर अकेले इतना बड़ा घर है, बोर हो जाती हूँ मैं। सही है, वैसे भी अगर मैं शॉपिंग करूंगी तो सामान उठाने के लिए कोई तो चाहिए। हाँ हाँ चलना चलना। ठीक है दीदी। ठीक है जल्दी सेको, चाय बनाओ। ठीक है आ रही हूँ मैं। अच्छा इस बहाने पार्लर तो जाऊंगी। पार्लर जाएगी और पैसे भी यही भरेगी, बढ़िया है फ्री का करने वाली। दीदी पार्लर जा तो रहे लेकिन वहाँ पर लड़ाई मत करना, डिस्काउंट मत मांगना। देखो डिस्काउंट तो मैं मांगूंगी, वो तो मेरा अधिकार है, अब वो देना दे अलग बात है। ठीक है देख लेना। मेरा भाई कहाँ रह गया? तुम्हारा भाई हर जगह आता है, पार्लर में क्या करेगा वो? उसको भी शेविंग करानी थी इसलिए लेके चल रही हूँ। हाँ। वैसे भी उसका फोन खराब हो गया तो आप एक नया फोन तो दिला ही दोगी। मैंने थोड़ी ना खराब किया है। चलो चलो आ गया, चलो चलो भैया। कौन सा कलर कर रहे हो भैया? सो हम लोगों ने रेड कलर सिलेक्ट करा है। रेड? दीदी आप बुढ़ी लगोगी। कुछ पता नहीं आ जाते कहाँ कहाँ से। कुछ पता भी है? No. कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से करना प्लीज, रेड कुछ ज्यादा ही लगेगा। वो मेरी केटरी बात हो गई है, आप चुप रहो। पता है आपको कैटरीना कैफ के बालों में रेड था, वो तो इतनी गोरी भी है। भैया इनको बोलो जाके अपना कर लेंगी, जाइए आप। मैं सिर्फ यही करने आई थी। आई बड़ी ये आई है अपना यहाँ पर पार्लर में काम कराने, 3 घंटे वेस्ट कराएगी मेरे। मैं भी कुछ करा ही लेती हूँ, आई हूँ तो कुछ करा के ही जाऊंगी। No. और पैसे भी इन्हीं के लगाऊंगी, वैसे भी मैं अपने पर्स में कुछ भी नहीं लेकर आई। चलो ये तो मैंने अच्छा किया, इतने सालों में मैंने कुछ तो काम अच्छा किया, वरना हमेशा लुट जाती हूँ। यार यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, सब उसी के पास बैठे हैं। हाँ? मुझे लगता है ये पहले से इनको जानती है, तभी तो उसके आगे पीछे सब घूम रहे हैं और मेरे पास तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक बार ही पूछा हेड वॉश करना है बस। What? इसने कुछ जादू किया है यार, मैं तो इनको पैसे नहीं दूंगी, बहुत बेकार है। अरे आप भी नीचे आ गई, कोई पूछ भी रहा है या नहीं पूछ रहा आपको? ये मैंने बुक किया था अपने लिए पूरा का पूरा, और आप भी नीचे आ गई करने के लिए। सब तो इसी पे चिपक गए, मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा, बुकिंग मैंने करवाई थी इसने। चिढ़ रही है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास सब आ गए और उनके पास कोई नहीं गया। अभी अपनी कितनी तारीफ कर रही थी, मैंने बुक किया है, ये कैसे बुक करेंगी, इतना पैसा तो वेस्ट करती नहीं है बुक करने चले। आराम से अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी, वैसे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कराऊंगी, पर 3 घंटे लगी रहे तो मैं भी करवा लूँ ना कुछ। वैसे काफ़ी अच्छे बाल है मेरे बचपन से। No. वो तो ये है ना, जब से शादी हुई है पानी चेंज हुआ है तब से थोड़े से ड्राई हो गए, मगर पहले कि आप भैया मेरी पिक्चर्स देख लोगे, एक एक बाल इतना मोटा था कि मैं क्या ही बताऊं। शादी के बाद लोकेशन चेंज हो जाती है ना तो ये सब हो ही जाता है। हाँ तो सास के साथ ही रहती ना, अकेले रहने की चली गई इतनी दूर। आए बड़ी तो मैं जब से आए हो ना आप दोनों लड़ते ही रहते हो क्या? भैया जहाँ पर लड़ाई होती है प्यार भी वहीं होता है। क्यों दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं, देखा हम दोनों के बीच में ऐसे ही प्यार है। लड़ाई प्यार है तो फिर लड़ाई किससे बोलते हैं, वो तो नहीं होती हमारे साथ। है ना भैया ये पॉलिथिन क्यों लगा रहे हो? एक्चुअली में क्या है इसका प्रोसीजर है, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो फिर आप बाद में बोलोगी यार बाल तो वैसे के वैसे ही है जैसे पहले थे। भैया मेरा ऐसे कलर करना कि मैं चमकूं। ना अच्छा कलर करूंगा कि आप ही आप दिखो। ठीक है भैया। क्या 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 यही दिखेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो कोई मेरी तरफ देखेगा ही नहीं। मैं भी इनसे बोलती हूँ मेरा भी ये कलर करेंगे। भैया जरा सुनना, एक मिनट मैं पहले इनको फ्री कर लूँ उसके बाद आपके पास आऊँगा। भैया वैसे मेरे बाल कैसे हैं? अच्छे हैं ना, हेल्दी बाल है ना मेरे। थैंक यू भैया, कुछ लोगों के तो सर पे बाल ही नहीं होते। ये आदमी इतनी लालची है। No. ये पैसे भर रही है ना इसीलिए उनकी तरफ है, वरना तो मेरी तरफ होते।
शुक्र है पन्नी तो निकाली सर से। गवार कहीं की, इतना भी नहीं पता पॉलिथिन के लगाते हैं। हाँ मैम कुछ कह रहे थे आप? हाँ वो मैं कह रही थी भैया कि मेरे को भी कलर करवाना है, थोड़ा धीरे बोलना इनको आवाज ना जाए। कलर? हाँ? आपके पास पहले ही ड्राई है, और ड्राई हो जाएंगे तो। अच्छा अब आप भी कलर कराना चाहते हो? नहीं नहीं मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि कैसे काम कर रहे हैं और क्या। भैया मेरे से पूछ रही थी ना, बस पूछ रही थी। सुन लिया भैया ने क्या दिया ना, बाल ड्राई हैं और ज्यादा ड्राई हो जाएंगे तो मत करवाओ। भैया को भी चिल्लाना जरूरी था क्या? बेइज्जती करवा दी। हर चीज में मेरी नकल करनी है, पीछे पीछे तो पार्लर आ गई। अरे क्या भैया दोबारा से पन्नी लगा दी? हाँ? खुजली हो रही है। ये पॉलिथिन लगाई है क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लगाया है, समझी? बार बार टोको मत, एक तो कर रहे हैं। नहीं मैं तो बस पूछ रही थी। तब यही पूछना है, नॉलेज तो लेनी पड़ती है। जीरो नॉलेज वाली। खुजली सर में होती है, पैरों में नहीं होती जो मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। चुड़ैल। वाओ मेरा हेयर कलर स्टार्ट हो गया है, अब तो मैं ही मैं चमकूंगी। दीदी आपको हेयर कलर से चमकने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉइल में आप वैसे भी चमकादड़ लग रही हो। बकवास कम करो, देखा करो तुम कहाँ पर हो। आप भी देखा करो, थोड़ी देर पहले मुझे भी तो गवार पन्नी लगाई ये वो कह रही थी। तो घर में बताऊंगी। मुझे बताने वाली आई पड़ी। ये क्या खाती रहती है अनहेल्दी? मेरी तरह हेल्दी खाओ, पनीर खा रही हूँ। चिली तो है और फ्राई भी हुआ हुआ है। थैंक गॉड मेरा भाई कुछ तो अच्छा लेकर आया, मेरे लिए आपके लिए भी ले आया। मजेदार नूडल्स हैं जो कि तो बहुत मजा आ रहा है। टेस्टी है, मैं थोड़े से ट्राई कर लूँ? नहीं नहीं आप अपनी हेल्दी खाओ। ये तो अच्छे भी नहीं हो रहे, थोड़ा सा दे दो भाभी, मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है। झूठी हो गई है। What? सारी झूठी हो गई है। Oops. और मैं झूठा किसी को नहीं देती। बचपन में करते थे। वैसे सच में हो तो बहुत बुरी रही है, लेकिन इसको ना एक बाइट भी नहीं दूंगी इसमें से। A few moments later. अरे यार पता नहीं कैसा कलर निकल के आएगा, बन तो मैं बहुत रही थी कि मैं ही चमकूंगी, अगर मैं नहीं चमकी तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, कुछ दिख भी तो नहीं रहा यहाँ से। वाओ मेरे बालों में क्या कलर हुआ है। अरे भाभी आपने नहीं कराया अपना हेयर कलर? हेयर कलर नहीं मेरे बालों में कुछ और हुआ है, वो आपको बाद में पता चलेगा। मेरा तो जयपुर आना सफल हो गया, इतना अच्छा हेयर कलर जो कराया मैंने भैया के सैलॉन से। सच में जयपुर आना तो मेरा भी सफल हो गया। भैया वैसे ये लोकेशन थोड़ी अजीब सी, एक बार आप फिर बता दोगे कहाँ पर है? मेरी लोकेशन है वैशाली गांधी पर। वैशाली गांधी पर। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है भैया, मैं नेक्स्ट मंथ जरूर आऊंगी और अकेले आऊंगी। ये पहली बार आ रही है, इन्हें कुछ आता नहीं है इसलिए। कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी और सब सीख भी लूंगी। चले आप घर? हाँ चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो।